Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So in today's video we'll be learning about the chapter number 1 of maths, that is angles and its measurement. ठीक है, so ये जो है आपका जो chapter आपका maths 1 का है ये. wait, okay, मैथ्स वन का आपका ये चैप्टर नंबर 1 है जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.1. हम लोगों ने कवर कर लिया है 1.2 का. हम लोग 1.2 का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं. बेसिक्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे और 1.2 करेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग करेंगे 1.2 का एक्सरसाइज. ठीक है, फाइन. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाले 1.2 प्रैक्टिस सेट फॉर 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, देखते हैं कि हम लोग इस वाले जो 1.2 प्रैक्टिस सेट है इसमें क्या क्या होने वाला है. ठीक है, ओके, सो इसमें हम लोगों को ना सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी रहेगी जो है आपका सर्कल. आपको इस वाले जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आप लोगों को पढ़ना रहेगा सर्कल के बारे में. ओके, सर्कल के बारे में. ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ. सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, और हम लोग इसमें हम देखेंगे कि सर्कल के यहाँ पर एरिया देखेंगे हम लोग, उसका सर्कमफ्रेंस देखेंगे. ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले से भी, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सबके फॉर्मूला. देन हम लोग देखेंगे थीटा, देन एंगल. एंगल को ही थीटा बोलते हैं बाय द वे. देन हम देखेंगे यहाँ पर रेडियस. देन हम यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज देखेंगे. ओके, एंड देन हम लोग एस देखेंगे. एस का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आप सब लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर. देन हम देखेंगे इसे पेरीमीटर ऑफ एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, देन हम इसमें देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. देन हम लोग इसमें देखेंगे 45, 45, 90 वाला थ्योरम. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली इस प्रैक्टिस सेट में. ये लग बहुत सारा होगा कि इतनी सारी चीज़ें आ रही है, बट नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर ये बहुत सारा दिख रहा है फॉर्मूलाज, बट ये बहुत मतलब एक सम में ही यहाँ पर बहुत सारे यूज़ होंगे. देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, लेकिन ऐसा समझाऊँगी. यहाँ पर ए ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है. फिर यहाँ पर पाई थीटा क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सबको पता है. लेंथ क्या होता है, फिर उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1BH सबको पता है ये. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सब करेंगे. ठीक है, यहाँ पर सबका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ. पहले मैं यहाँ पर आप सब लोगों को एक सर्कल बना के बताऊँगी, उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे हर एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, अरे ये तो हाफ ही सर्कल आया. ओके, लेट्स ट्राई अगेन. ओ गॉड, वेट, मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था. ओके, सर्कल यहाँ पे हम लोगों का बन गया है. ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसका जो ये होता है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है सबको, यहाँ पर ये एक बाउंड्री है. सर्कल होता है इसके यहाँ पर, ये बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको
ये जो होता है ना, ये येलो कलर में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, मैं सब बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर ये एक होता है हम लोगों का, एक ये होता है हम लोगों का डॉट, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। इतनी बात तो 11th में बच्चों को आती है। यहाँ पर सेंटर, सेंटर सेंटर से लेकर यहाँ पर एक सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक हम लोगों का यहाँ पर होता है रेडियस। ये ठीक है, ये लाइन जो होती है ये हम लोगों की होती है रेडियस, या रेडी आई बोल सकते हो, या रेडियस बोल सकते हो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक ये होता है आपका रेडियस। और अगर मैं इसी लाइन को जॉइन कर दूँ, मतलब दोनों तरफ से, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है सबको, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। ठीक है, अगर ये सब पाया तो स्किप भी कर सकते हैं, डायमीटर। उसके बाद यहाँ पर सबको समझ में आ गया इतना तो। और उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज़ दिख रही है, अगर मैं यहाँ से दो रेडियस अगर ड्रॉ करती हूँ सी, यहाँ पर अगर मैं इस रेडियस, इससे सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, आर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। और ये जो हिस्सा दिखेगा यहाँ पर, ये अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ कुछ लाइन, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन से वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं? ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पर मैं इसको अंडू करती हूँ पहले। ओके, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है मेरा, इस तरफ का, इसको मैं बोलूँगी कॉर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉर्ड। फाइन, इतना सबको समझ में आया? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ओके, सो आई थिंक कि यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब था। एरिया ऑफ द सर्कल, हाँ एरिया ऑफ द सर्कल मैं बताना भूल गई आई थिंक। तो एरिया ऑफ द सर्कल मतलब पता है क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट कितना ले रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई टेबल पर अगर मैं इस सर्कल को रख दूँ, तो यहाँ पर देख कितना पार्ट ले रहा है, उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो ये आपको बताता है आपका एरिया। ठीक है, एरिया मतलब कितना, क्या कितना है ये चीज़, ये पूरा इतना कवर कर रहा है स्पेस को, मतलब ये हो गया इसका एरिया। इसका आपको आप निकालते हो स्क्वायर सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हो आप लोग एरिया को। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो फिर अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो काफ़ी सिंपल है, फटाफट से जाऊंगी थोड़ा। या तो एक काम करते हैं, हम इसमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है इस चैप्टर में। फर्स्ट जो है ये सर्कल है मेरा, सपोज़ यहाँ पर ये है मेरा सर्कल, बना देती हूँ सिमेट्री से। ओके, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है। ओहो वेट, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है जिसका यहाँ पर ये सेंटर है। तो यहाँ पर ये जो होगा ना, ये मेरा रेडियस होगा, ये मेरा सेंटर होगा सपोज ओ, और ये जो होता है ये थीटा होता है। थीटा मतलब एंगल होता है। एट 1.2 में हम लोगों को थीटा जो रहेगा वो एंगल दिया रहेगा, और एंगल को हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हर समय अगर आप देखोगे, हर समय आपको थीटा को रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे एस का फॉर्मूला जो होता है, एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर थीटा। एस क्या होता है? एस मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज़ इट? लेंथ ऑफ
आर्क, ठीक है, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इन द सेंस के ये जो है, ये है मेरा आर्क, और ये आर्क की अगर मुझे सिर्फ इतने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो मैं इसको अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एस, ये क्या हो जाएगा एस। तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे फॉर्मूला लगता है आर इंटू थीटा, ठीक है। और फिर एरिया जो होता है, एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करोगे हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा, या तो आप लोग यूज़ करोगे आर स्क्वायर थीटा नहीं यूज़ करोगे, आई थिंक सॉरी, यहाँ पर आर एंड आर प्लस आर इंटू थीटा, ठीक है, आर इंटू थीटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू आर इंटू आर, या तो आर स्क्वायर थीटा भी सही लिखा था, सॉरी यार इधर सही लिखा था मैंने, ये भी तो सही फॉर्मूला था ना, आर स्क्वायर थीटा सही था यार, यहाँ पर मैं सही लिखा था मैंने आर स्क्वायर थीटा, और इसी को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, देखो हाफ इंटू आर आर इंटू थीटा, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, एंड देन अनदर फॉर्मूला इज़ फॉर एरिया इज़ हाफ इंटू आर स्क्वायर एस, थीटा के बजाय एस, ठीक है। चलो हम देखते हैं एग्जांपल जो है आपका क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ये देखो ये सबको समझ में आया ना, ये वाला चीज़ क्या है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो हाँ इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरा जो है सर्कल है, इसका ये सेंटर ओ है, ये मेरा जो है ये आर है, मतलब रेडियस ये थीटा होता है इसका एंगल, और ये जो ये होता है एस, एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया का फॉर्मूला मतलब इसका पूरे का एरिया अगर निकालना है तो हाफ इंटू आर, इसका नहीं इस आर्क का एरिया निकालना है तो यहाँ पर लिखो कि हाफ आर स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबका वो है लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब सपोज करो ये सर्कल है, पहले सर्कल बना देती हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब एस फाइंड करना है, इफ़ इन ऑफ अ सर्कल, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब ये कुछ लेंथ फाइंड करना है हमें, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सबटेंस एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब ये कुछ रेडियस है, यहाँ पर ये कुछ थीटा बना रहा है जो है हम लोगों को दिया हुआ 180 डिग्री, एट द सेंटर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ दिया हुआ है, ये सब आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये एंगल जो दिया हुआ है वो 180 डिग्री है, और यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है वो होता है 15 सेंटीमीटर 180 डिग्री। आपको मैंने पहले बता दिया था इसमें कि आपको थीटा को कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करोगे। ओके तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास देखो एक हम लोगों को एस फाइंड करना है, राइट, एस इज़ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, हम सबको पता है एस जो है ये है, ठीक है। तो मेरे पास आर कितना है 15 है, मेरे पास थीटा कितना है, मेरे पास 180 डिग्री, लेकिन मैं 180 को यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हमेशा इसको करना है रेडियन में। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आपको पता होगा कि 180 होता है वो होता है पाए, 180 को हम लोग बोलते हैं पाए, ठीक है। या तो अगर कन्वर्ट करना आता है तो 1.1 में कन्वर्ट करना आ गया होगा सबको कि 180 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर लिखोगे पाए बाय 180, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 180 कैंसिल होगा तो भी पाए मिलेगा, और अगर आपको याद है कि कैसे हम लोग निकालते हैं इसको तो फिर और ज़्यादा अच्छी बात है, आपको 45, 60, 30 एंड 180 का, 90 का, ये सब आना चाहिए रेडियन निकालना। जैसे 45 का जो होता है वो होता है पाए बाय 4, ठीक है, देन 30 का जो होता है वो होता है पाए बाय 6, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा पाए हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था रेडियन को 180 डिग्री इज़ इक्वल्स टू पाए,
पाई रेडियन, ठीक है ओके। तो यहाँ पर आप 15 पाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा यहाँ पे आप करोगे आप लोग, ओके वेट 108 था, ओके सो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन 108 था, ये 180 डिग्री नहीं था, यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो गई आई थिंक, यहाँ पर ये 180 डिग्री नहीं था, ये था हमारा 108 डिग्री, सॉरी अगर 180 डिग्री होता तो आपका ये वाला आंसर आता, कोई बात नहीं, सपोज करो कि अब हम लोग सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट सम हो गया, अगर 180 डिग्री होता तो, अब 108 डिग्री है सपोज, ठीक है मतलब यही है वैसे तो, फॉर 108 डिग्री, ठीक है तो 108 डिग्री को आप लोगों को रेडियन में करना होगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू रेडीमेड नहीं दी हुई है, ठीक है मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, तो 108 इंटू पाई बाय 180, ये इतना जो होता है फॉर्मूला आपका रेडियन में करने का डिग्री को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, ठीक है मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 2 5 10, 2 4 8, 2 9 18, 2 0 0, देन 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 1 carry over, 2 5 10, देन 3 9 27, 3 1 3, 3 5 15, एंड 3 3 9, 3 5 15, तो यहाँ पे क्या आया आंसर हमारा 3π/15, 3π/15, यहाँ पर पाए जो है ये होता है रेडियन में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज एस इज इक्वल्स टू 3π/5, ठीक है इतना समझ में आया सबको बच्चे लोग को, 180 मैंने सॉल्व कर दिया था भाई, सॉरी यार क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं भाई हमारा आंसर तो आ गया ना, बोलो, वेट हमारा आंसर नहीं आया है, आई एम सो सॉरी, वेट, पाई इंटू थीटा, 15 इंटू थीटा करा मैंने, 15 इंटू मैंने किया रेडियन में, रेडियन, अरे यार रेडियन को सॉल्व किया ना मैंने अभी तक, यार आज की वीडियो में क्या हो रहा है, आज की वीडियो में हो क्या रहा है यार, मैंने तो अभी तक सिर्फ रेडियन सॉल्व किया यार, आई एम सो सॉरी, इधर मैंने सिर्फ रेडियन सॉल्व किया है, ये मेरा रेडियन आया, ये मेरा थीटा आया यार, ये मेरा थीटा है, थीटा, ये मेरा थीटा है, और अब मेरे को करना है भाई, जब भी सॉल्व करना बाकी है, एस इंटू सब हो चुका है वैसे, बस थोड़ा सा बाकी है बस, ठीक है एस इंटू थीटा आर थीटा, तो आर कितना है 15 है, और क्या 3π/15, ठीक है तो 5 5 5 3 15, 3 इंटू 3 थीटा जो पाई है जाएगा वो हो जाएगा 9π, तो यह आया आपका आंसर, फाइनली आपका जो आंसर वो ये आया है, ठीक है ये आया है, मुझे वो ही मेरे को अलग थोड़ा लगा, बट आई डोंट नो मैंने क्यों अपने अलग लगने को इग्नोर करा, बट देखो यहाँ पर ये जो था ना ये मेरा थीटा था, ये देखो मैंने सब कुछ थीटा किया है, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब क्या होता है आर थीटा, ठीक है सो सॉरी यार आज पता नहीं क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे, बट कोई बात नहीं यार मिस्टेक सबसे हो सकती हैं, ठीक है सेकंड क्वेश्चन जो है वो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल है 9 सेंटीमीटर, एस हम लोगों को फाइंड करना है और हम लोगों को दिया हुआ है कॉर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस, मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई सर्कल है उसका अगर रेडियस कॉर्ड सब चीज़ जो है, अगर उसका रेडियस कॉर्ड और ये सब चीज़ सब चीज़ इक्वल है, ठीक है यहाँ पर सब चीज़ इक्वल है, यहाँ पर मेरे को ओ दिया हुआ है सपोज करो, यहाँ पर मेरा जो रेडियस है वो 9 है, तो देखो अगर मेरे को बोला है कि कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, मतलब कॉर्ड इज इक्वलेंट टू रेडियस, तो मतलब ये भी रेडियस भी ना आएगा भाई, अगर यहाँ पर अगर मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ पर पेस्ट करूँगी तो ये जो ट्राइंगल है इसका जो हर साइड है वो 9 9 9 है, और मुझे फाइंड करना है
एस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब मुझे ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो अगर ये ऐसा है तो मतलब ये जो ए बी सी सपोज करो ट्राइंगल है वो है इक्विवेलेंट ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसका एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 60 डिग्री, मतलब जो थीटा मतलब क्या इक्विलेटरल एंगल का हर एक एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर इसका भी जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब मुझे थीटा भी फाइंड हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपको अगर पता होगा तो वो होता है पाई बाय थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में करूँगी तो पाई बाय थ्री रेडियन आएगा, ठीक है, पाई बाय थ्री रेडियन आएगा, फाइन, ओके। तो अब मैं एस निकालूंगी, ठीक है, मैं एस निकालूंगी। तो मेरे एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो आर क्या है मेरे पास, आर जो है वो है 9 × 9 ना, कितना है 9 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है, 9 × थीटा की वैल्यू कितनी आई, अभी आई पाए बाय 3, तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3π आया हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आया है, 3π सेंटीमीटर, ठीक है। यह है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने इसमें बहुत सारी बेसिक्स क्लियर किया, काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हो गई, लेकिन मैंने मिस्टेक्स को क्लियर आउट खुद से कर लिया है। अच्छा, वीडियो बनाने के बाद याद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब लोगों का 1.2 का सारा बेसिक्स एंड अलॉन्ग विद 1.2 प्रैक्टिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस, एंड आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता रही हूँ यार, मैं ऐसे नहीं दिखा रही आप सबको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैंने हाईलाइट करते हुए बताया पूरा कलरफुल हुआ है ये वाला PDF। आई नो हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी है, क्योंकि फटाफट से वीडियो बना के अपलोड करना था। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, बाय।